हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन एज एन इकोसिस्टम। स्टूडेंट, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, इकोलॉजिकली भी है। तो डिफरेंट एंगल से आपने ये जो पॉइंट हैं इसको क्लियर करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और जो है उसको आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं वो भी आपने सॉल्व करनी है। ठीक, तो चैप्टर को सॉरी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका जो मेन आपका जो टॉपिक है उसके मीनिंग्स को ज़रा आपको समझा दूँ। सबसे पहले है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है किसी चीज़ का बहना, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, इसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी, के एनर्जी का बहना, एनर्जी का जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचना जो है इसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपको पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर मैंने आपको फूड चेन के बारे में बताया था कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल कॉल्ड फूड चेन। तो आज हम इसमें देखेंगे कि एक फूड चेन के अंदर जो एनर्जी फ्लो करती है किसी भी इकोसिस्टम में वो किस मैनर में करती है, वो किस तरह फ्लो करती है, वो कितनी रेशियो में फ़्लो करती है, उसकी परसेंटेज कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है, वो किस फॉर्म में कहाँ से आती है, उसका मेन सोर्स क्या है और वो आगे किसके पास पहुँचती है। अंडरस्टैंड जी, सबसे पहली बात यह है कि जब हम पूरी प्लैनेट को पूरी वर्ल्ड को देखते हैं तो हमारे पास सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कौन सा? सन। स्टूडेंट, सन जो है वह सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा होगा रेडिएंट एंड हीट लाइट एनर्जी। अब आपको पता है रेडिएशन हीट लाइट जो है ये सारी की सारी कहाँ से आती है? सन से। हमारे पास सन जो है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी ज़मीन के ऊपर जितनी भी एनर्जी मैक्सिमम जो आती है कहाँ से आती है? सन से। ओके, सन से हमारे पास एनर्जी आती है। अब यहाँ पे ना मैं आपको तीन चीज़ों के बारे में समझाना है जो इस टॉपिक के अंदर मेन है। ठीक है जी स्टूडेंट, जो सन से एनर्जी आती है ना, जब वो ज़मीन पर गिरती है तो ज़मीन पे गिरने के बाद आपको पता है कि ज़मीन में एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो सन की एनर्जी को, रेडिएशन को, लाइट को, हीट को अब्जॉर्व करके उसको ऑर्गेनिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? प्लांट। वो जो प्लांट हैं उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के साथ साथ उसको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ओके जी, तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट जब भी हम प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं वो क्या करते हैं? सन की लाइट को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके अच्छा जी, अब जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई सन की एनर्जी, तो उस एनर्जी को या उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे मैंने लिखा होगा ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो हमारे पास ग्रास होता है, ग्रास का मतलब होता है टोटल। ठीक है जी, ग्रास का मतलब होता है टोटल, क्योंकि जो सन की एनर्जी ज़मीन पे गिरी है, ज़मीन पे गिरने के बाद जो प्लांट हैं उन्होंने जो एनर्जी को कन्वर्ट किया या सन की एनर्जी को ऑब्जर्व किया, वो जो सन की एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व करने के बाद जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस की है उसको हम बोलते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। यहां पे एक चीज स्टूडेंट मैं आपको और बता दूं कि सन की ये जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है सोलर एनर्जी, सन की जो 100% एनर्जी होती है ना, जब वो जमीन पे गिरती है तो प्रोड्यूसर जो प्लांट हैं जस्ट 1% यूज करते हैं, जस्ट 1%। बाकी जो 99% है वो कहाँ पे जाएगी? वो ज़मीन में अवैपोरेशन करेगी। आपको पता है अवैपोरेशन काज कूलिंग। उसके अलावा सॉइल को हीट करेगी, बहुत सी एनर्जी बाउंस ऑफ हो जाती है, दोबारा रिफ्लेक्ट होके स्पेस में चली जाती है। तो सन से आने वाली जितनी भी एनर्जी है उसमें से प्लांट कितनी यूज़ करते हैं? 1%।
बाकी जो 99% है वो अदर पर्पसेस के लिए यूज़ हो जाती है, वापस जो है स्पेस में चली जाती है, वो जो है वो सॉइल को कूल करती है, इसके अलावा एवेपोरेशन करवाती है, वो सारी की सारी 99% जो है एनर्जी हमारे पास जो है रेडिएशंस की फॉर्म में वो रिलीज़ हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट जो है जो प्लांट ने फिक्स की है उसको हम बोलते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। ओके, क्लियर हो गया। अब वो जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने जो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब एनर्जी फिक्स की है या बनाई है, जो प्रोडक्शन हुई है, उसमें से कुछ वो हीट ऑफ रेस्पिरेशन की फॉर्म में रिलीज कर देंगे। ठीक है, जो प्लांट ने फिक्स की है, आपको पता है कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है, उसकी फॉर्म में वो रिलीज कर देते हैं, तो जो बाकी बचती है उसको हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे मैं फिर एक फार्मूला बनाता हूँ, फार्मूला लिखता हूँ, उस फार्मूला से आपको काफ़ी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी, ये इंटर टेस्ट वगैरह में एमसीक्यूज के हवाले से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। अब ये जो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन इज इक्वल टू सॉरी, ठीक है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस, इधर कर लें, माइनस हीट ऑफ रेस्पिरेशन, हीट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है जी। अब यहाँ पे इक्वल कर लें जी, इक्वल क्या है जी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। अब एन पी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इज इक्वल टू ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस हीट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि सन से जितनी भी आई थी लाइट या एनर्जी प्लांट ने जो प्रोड्यूस की या प्रोडक्शन की या कन्वर्ट की, वो है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। उसमें से हीट ऑफ रेस्पिरेशन अगर निकाल दी जाए तो बाकी क्या बचती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। और स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड बायोमैस, इसको क्या बोलते हैं, बायोमास। ठीक हो गया जी, इतने पॉइंट की क्लियर समझ आ गई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना ये डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन करने वाली है। इस डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ, हीट ऑफ एनर्जी जो है, सन की लाइट जब प्रोड्यूसर पे पड़ी तो प्रोड्यूसर ने 1% ऑब्जॉर्व कर ली, बाकी जो 99% है वो डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज हो गई। ओके, अब अगली बात है कि प्रोड्यूसर ने 100% एनर्जी बनाई। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि प्रोड्यूसर ने तो 1% एनर्जी ऑब्जर्व की थी, तो उन्होंने 100% एनर्जी कैसे बना ली। देखिए स्टूडेंट बात सुने, लेट्स सपोज मेरी जो पॉकेट है इसकी कैपेसिटी है 500 रुपीज़, ठीक है, और जो मेरे फादर हैं उनकी कैपेसिटी है मुझे 5000 रुपीज़ देने की, वो उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है और मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 500 रुपीज़। जब वो 5000 रुपीज़ मुझे देंगे तो मैं उसमें से कितने लूँगा, 500 रुपीज़, क्योंकि बाकी तो मेरी कैपेसिटी नहीं है। अब वो जो 500 रुपीज़ जब मैं अपनी पॉकेट में डालूंगा तो मेरे लिए वो क्या है, 100% है, मेरे लिए क्या है वो, 100% है। तो इसीलिए ये जो प्रोड्यूसर हैं इन्होंने 100% एनर्जी बनाई। इन प्रोड्यूसर ने 100% एनर्जी बनाने के बाद ना आपको पता है कि प्रोड्यूसर को कौन खाते हैं नेक्स्ट, कंज्यूमर। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि 10% कहा जाता है कि एनर्जी आगे ट्रांसफर हो जाती है, कितने परसेंट, 10%, 100% थी तो 10% जो है एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी, बाकी 80-90% एनर्जी कहाँ पे गई। यहाँ पे मैंने शायद ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ, ये भी याद रखिएगा कि वो जो 82 प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो है वो 10% गई है, तो बाकी 80-90% एनर्जी कहाँ पे गई, वो लॉस हो गई रेस्पिरेशन की फॉर्म में, वो लॉस हो गई एक्सक्रीशन की फॉर्म में, वो लॉस हो गई फीसिस की फॉर्म में, जो आपकी सॉइल के अंदर आपकी स्पेस के अंदर चली गई। मैं इसको आगे इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, आप और क्लियर करेंगे, ठीक है जी। 10% किसके पास आई है, कंज्यूमर के पास। अब ये जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के अगला लेवल है डिकम्पोजर का। तो मैंने बताया कि हर ट्रॉफिक लेवल, ये ट्रॉफिक लेवल है, ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, नरिश खुराक, ठीक है। कंज्यूमर से आगे कितनी गई, 10%, तो 10% 10 का क्या होता है, उसको 1% कहेंगे, को समझ आ रही है, 1%, क्योंकि एक 10 का जो 10वां हिस्सा है वो क्या है, 1%, ठीक है जी। तो यहां पे एक चीज याद रखिएगा,
लेट्स सपोज मैंने फूड ली, खुराक ली, मैं एक कंज्यूमर हूँ, वो खुराक मैंने कहाँ से ली है? प्लांट से। कहाँ से ली है? प्लांट से। अब आपको ये याद रखिएगा कि जब मैंने खुराक ली, तो खुराक लेने के बाद मेरी बॉडी में वो सारी की सारी खुराक फिक्स हो जाएगी या कुछ इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, हमारी स्किन से एनर्जी रिलीज हो रही है, हम बोल रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज़ होती है, बहुत सी एनर्जी लॉस हो रही है। आप आराम से बैठे रहें तो आप देखते हैं आपकी स्किन से हीट रिलीज होती रहती है, ये एनर्जी एनर्जी जो है ये लॉस है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगले ट्रॉफिक लेवल तक कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? जस्ट 10%। ठीक है जी, 10% मीन के 10th पार्ट ट्रांसफर होता है, 100 का 10% ये, 10% का 1% ये। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने लिखा होगा हीट एनर्जी लॉस फेस स्पेस, और इनमें से निकलने वाला जो वेस्ट है, फेसेस हैं, मिनरल्स हैं, वो दोबारा रिसाइकल होकर वहाँ पे जो है वो यूज़ होते रहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ना ये पॉइंट जो है ये मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसमें ये भी मैंने पॉइंट बता दिया कि बायोमास क्या होता है, 1% एनर्जी ट्रैप करते हैं, 99% सोलर एनर्जी जो है इमिट हो जाती है अवेपोरेशन के लिए, सॉइल हीटिंग के लिए और डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। तो ये दो पॉइंट हैं, शॉर्ट फूड चेन और लॉन्ग फूड चेन, इन दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा मैं, ये वाले डायग्राम एक्सप्लेन कर जब की जाएगी, या ये चार्ट जब एक्सप्लेन करूंगा, या जब ये डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी मैं आपको ना एक न्यूमेरिकल देता हूँ, न्यूमेरिकल कैसे, मैं भी ज़रा कैलकुलेटर जो है वो पास पकड़ लूँ। अच्छा जी स्टूडेंट, अगर मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास ना एक स्पेसिफिक एरिया है, मैं आपको ना वैल्यूज़ देता हूँ, वैल्यूज़ किस तरह कि मेरे पास ना एक स्पेसिफिक एरिया है, उसमें सन की जो है एनर्जी इतनी फॉल कर रही है, उसमें से इतने परसेंट जो है वो प्लांट फिक्स करता है, कितने परसेंट? 1%। तो जो प्लांट ने फिक्स की है वो लेट्स सपोज जी हम कह लेते हैं जी, वो है जी 574 किलो कैल, समझ आ रही है? और उस प्लांट में हीट ऑफ रेस्पिरेशन जो है उस केस में एनर्जी रिलीज हो गई है जी 209 किलो कैल। तो बताएं जी वहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कितनी है? इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि मैंने तो यहाँ पे फार्मूला लिखा है ना, आपकी बुक में फार्मूला नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टूडेंट को आता है। तो अगर हम इन दोनों को, ये वेरी सिंपल, अगर आप इसको माइनस कर लें, 574 माइनस 209 इज़ इक्वल टू, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 574 माइनस 209, ये 365 कितनी आ रही है इसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन? 365। ठीक है, तो इस तरह जो है ये आपने इसकी कन्वर्जेंस आपको आनी चाहिए। अच्छा, इसकी ना मैं कुछ नेट पे सर्च कर रहा था कि ये जो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन है ना, या हीट ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है, ये बेसिकली बम कैलोरी मीटर से मेजर की जाती है। आपको पता है फर्स्ट ईयर का चैप्टर 7 है शायद, थर्मोकेमिस्ट्री, वो जो थर्मोकेमिस्ट्री है उसमें आपने पढ़ा होगा बम कैलोरी मीटर, उसमें ये चेक किया जाता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी अब्जॉर्व हो रही है, और वही केसेस जो है यहाँ पे अप्लाई होते हैं और यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। लें जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी तरफ। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो ट्रॉफिक होता है ना, ट्रॉफिक का बेसिकली मतलब होता है न्यूट्रिशन लेवल। ठीक है, जिस तरह मैं हूँ ना, मेरा न्यूट्रिशन लेवल क्या है, मैं कंज्यूमर हूँ, मैं अपनी खुराक खुद नहीं बनाता बल्कि बनी हुई खुराक इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, जो प्लांट हैं उनका ट्रॉफिक लेवल क्या है, वो प्रोड्यूसर हैं, और यही हमारी एक निच है, किसी भी इकोसिस्टम में रह के हमारी निच क्या है, हमारा पेशा क्या है, हमारा क्या ऑक्यूपेशन है, वो यही है कि हम प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, ओमनीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, या डिकम्पोजर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोड्यूसर को। देखें जी, प्रोड्यूसर से पहले ना आपकी बुक में एक पॉइंट लिखा होगा कि 10 लाख किलो कैल ऑफ सनलाइट फॉल इन मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में, क्या वर्ड बोला है, एक साल में 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उसके ऊपर जो सन की लाइट गिरती है वो गिरती है 10 लाख किलो कैल। कितनी गिरती है? 10 लाख किलो कैल। अब वो जो 10 लाख किलो कैल है ना,
उस वो जो प्ला उस जो एरिया है एम स्केयर जो है मीटर स्क्वायर जो है वो जो एक साल में उसके अंदर जो प्लांट हैं वो सारे प्लांट है ना, प्लांट उसमें से कितनी एनर्जी जो है फिक्स करेंगे और कितनी इमिट कर देंगे वो 10,000 किलो कैल एम स्क्वायर पर ईयर जो है वो फिक्स करते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि 10 लाख का वो कितना पार्ट है, मैं अभी बताता हूँ। 10 लाख डिवाइडेड 10,000, जी 99%, 99% जो है इमिट हो जाती है, 1% बन रहा है। बेशक आप चेक कर लें, मैंने यहाँ पे जो चीज़ बताई थी कि सन की लाइट जब गिरती है तो प्लांट उसमें से कितने परसेंट फिक्स करते हैं, 1%, बाकी सारी की सारी जो है इमिट हो जाती है, बाउंस ऑफ हो जाती है, सॉइल को हीट करती है, अवेपोरेट करती है। जी ये जो है ना 1% फिक्स हुई है, बाकी 99% इमिट हो गई। अब ये जो प्रोड्यूसर है ना, ये जो प्लांट है, आपको पता है कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि जब भी प्रोड्यूसर से एनर्जी आगे फॉरवर्ड होती है तो कितने परसेंट आगे फॉरवर्ड होती है, 10%, बाकी सारी की सारी क्या हो जाती है, इमिट हो जाएगी रेस्पिरेशन की फॉर्म में। आप 10,000 का 10% चेक कर लें, वो होगा 1,000। ये जो प्लांट है ना, इस प्लांट को कौन खा रहा है, इंसेक्ट, तो इंसेक्ट्स को कितने परसेंट एनर्जी बनी मिली है, 10%, इसकी इसकी कितनी मिली है, 10%, और इंसेक्ट्स के लिए वो कितनी है, 100%, इंसेक्ट्स के लिए वो कितनी है, 100%, जो चीज़ मैंने यहाँ पे भी बताई थी। ठीक है, अब आपको पता है कि इंसेक्ट्स प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, कितने परसेंट एनर्जी आगे, 10%। ठीक है, 1,000 का देख लें 10% बनता है 100, जब वो रैट उसको खाएगा तो रैट के लिए वो कितनी है, 100%। ओके, रैट के लिए वो 100% है। अब रैट से आगे कौन आएंगे, टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर में कौन से हैं, स्नेक, स्नेक के पास वो कितनी परसेंट की है, 10%, लेकिन स्नेक के लिए वो कितनी है, 100%। समझ आ रही है, तो मुझे एक चीज़ बताएं कि प्रोड्यूसर से टर्शरी कंज्यूमर तक एनर्जी जाते जाते बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम एनर्जी लेवल बनाते हैं किसी भी इकोसिस्टम का, तो हम उसको पायरामिड शेप से लेबल करते हैं। अब ये पायरामिड जो है वो एक साइड से देखने से आपको ट्राई एंगल नज़र आती है, लेकिन आपको पायरामिड कहते हैं मखरूती शक्ल, मखरूती शेप। ठीक, अच्छा देखें जी, मुझे ये बताएं कि नीचे वाला जो है ये ब्रॉडर है या नैरो है, हैज कंपेयर टू टॉप, ब्रॉडर। इसमें प्रोड्यूसर हैं, आपको पता है कि प्रोड्यूसर जो हैं वो सन से लाइट लेते हैं, 1% फिक्स कर रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए वो कितने परसेंट है, 100%। अब प्रोड्यूसर से आगे प्राइमरी कंज्यूमर, और आपको ये भी पता है कि प्राइमरी कंज्यूमर जो है इससे 10% लेते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर से आगे सेकेंडरी कंज्यूमर, वो उसका 10% लेते हैं। सेकेंडरी से सबसे टॉप पे कौन से होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर। समझ आ रही है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप कोई भी इकोसिस्टम देख लें उसमें सबसे कम टर्शरी कंज्यूमर होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। समझ आ रही है, अगर आप ना पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, ठीक है, और अब दुनिया के किसी भी कंट्री की एग्जांपल ले लें, उसमें एक तो चीज़ बहुत ज़्यादा होगी, क्या है जी, प्रोड्यूसर प्लांट, ग्रासेस, बेशुमार प्लांट बहुत ज़्यादा है दुनिया में, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा फिक्स कर रहे हैं डायरेक्ट, और प्लांट के बाद प्राइमरी कंज्यूमर की तादाद आपको ज़्यादा नज़र आएगी, ग्रेजिंग एनिमल जितने भी हैं, ग्रेजर जो हैं। समझ आ रही है, ग्रेजर के बाद कौन से है, सेकेंडरी उससे कम होंगे, और टर्शरी जो टॉप पे हैं वो बिल्कुल कम होंगे, क्योंकि उन तक एनर्जी बहुत कम पहुंचती है, जिसकी वजह से आप किसी भी इकोसिस्टम की जो एनर्जी फ्लो है आप उसको लेबल करते हैं एक पायरामिड से। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी बहुत ही इंटरेस्टिंग, किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर आप चेक करने के लिए कि कितना जो है एनर्जी फ्लो कर रहा है, प्रोड्यूसर क्या है, और इस पे मैं बेशुमार डिफरेंट एंगल से एमसीक्यूज़ बना सकता हूँ। ठीक है, मैं जैसा कि आपको ये एमसीक्यूज़ दूँ कि जी मेरे पास ना 1 मीटर स्क्वायर जगह है, उसमें प्लांट हैं, सन की लाइट आ रही है जी 500 किलो कैल, 5 दिन की वैल्यू बता दी है, क्या बताइए, 500 किलो कैल सन की लाइट आ रही है,
और एम स्क्वायर जगह है 5 दिन की बताई है, बताएं जी उसमें से ग्रास प्रोडक्टिविटी कितनी है। आप 500 का वो 1% कर लेना, 99% तो एमिट हो जाएगी ना, 1% यहाँ पे करें। फिर मैं आपको बताऊँ जी उसमें रेस्पिरेशन रेट ये है और उसकी ये वैल्यू है, बताएं जी उसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कितनी है। तो आप 500 का 1% करें, बाकी तो आपने इमिट कर दी जो है इधर वैल्यू लगा के, रेस्पिरेशन की वैल्यू निकाल के। निकालने के बाद आप जो है क्या करेंगे, इसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो निकाल लेंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ना हमारे पास इस जगह पे दो चीज़ें हैं, एक है शॉर्ट फूड चेन और दूसरा है लॉन्ग फूड चेन। ओके, अब इन चीज़ों को मैंने आपको बताना है, शॉर्ट फूड चेन क्या है और लॉन्ग फूड चेन क्या है। देखें जी स्टूडेंट, प्लांट जो है ये प्रोड्यूसर हैं, एक पौधा है, एक पौधे को खाता है जी एक इंसेक्ट, समझ आ रही है? एक पौधे को क्या खाता है, एक इंसेक्ट, एक इंसेक्ट को खाता है जी एक रेप्टाइल, और एक रेप्टाइल को खाता है जी एक बर्ड्स, और एक बर्ड्स को खाता है जी एक मैमल, और एक मैमल को खाता है जी एक इंसान। अब ये मैंने एक फूड चेन बताई है, अगर मैं इसको यहां पे आपके थोड़ा सा लिख दूं कि सबसे पहले प्लांट को खाया जी इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया जी एम्फीबियन ने, एम्फीबियन को खाया जी रेप्टाइल ने, मीन के हशरात था, हशरात को खा लिया जी मेंढक ने, मेंढक को खाया जी स्नेक ने, रेप्टाइल, स्नेक एक रेप्टाइल है। अब स्नेक को खा लिया जी एक बर्ड ने, किसी परिंदे ने, क्योंकि कुछ ऐसे परिंदे भी हैं जो शाम को खाते हैं। अब बर्ड्स को खा लिया जी मैमल्स ने, अब मैमल कोई भी आप कह सकते हैं, मतलब आप वल्फ कह रहे हैं क्योंकि बहुत से दुनिया में कंट्री हैं वल्फ को खाया भी जाता है, इंसान खाते हैं। अब वल्फ को खा लिया जी ह्यूमन ने। अब मुझे ये बताएं कि प्रोड्यूसर से ह्यूमन तक एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए कितने लेवल आए हैं? एक ट्रॉफिक लेवल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिफरेंट स्टेजेस आई हैं, समझ आ रही है? क्या आई हैं? 6 डिफरेंट स्टेजेस आई हैं। अब देखें यहां पे दूसरी स्टेज में लिखता हूं कि हमारे पास प्रोड्यूसर प्लांट को खाया जी एक बर्ड्स ने और बर्ड्स को खा लिया जी ह्यूमन ने। मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से शॉर्ट फूड चेन कौन सी है, ऊपर वाली, और लॉन्ग फूड चेन कौन सी है, नीचे वाली। हमेशा याद रखिएगा कि जो शॉर्ट फूड चेन है उसमें जितने भी एनिमल्स हैं ना, जो लास्ट वाला एनिमल है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो लॉन्ग फूड चेन है उसमें लास्ट वाले एनिमल्स की फूड चेन स्टेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि मैंने बताया कि हर एनिमल से अगले लेवल तक जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो 10-10% का वो फ़र्क पड़ता है, मतलब 10% वो ट्रांसफ़र होती है, तो इस तरह ऊपर तक जाते हुए एनर्जी जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है, समझ आ रही है? तो ऐसे स्टूडेंट जो है, ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने डिस्कस किया, इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आपका जो चैप्टर इकोसिस्टम है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। आज हम यहाँ पे अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हुए, आज के लिए स्टूडेंट थैंक यू।